पर जानकारी देने के लिए लेकिन आगे बढ़ते हैं। भोपाल में शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। 6 मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी के साथ साथ दीनदयाल रसोई योजना में लोगों को अब मामा के नाम की थाली भी मिलेगी। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में शिवराज सरकार प्रदेश के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता को एक के बाद एक कई सौगात दे रहे हैं। इसी बीच भोपाल में सीएम शिवराज की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। प्रदेश में 6 नवीन मेडिकल कॉलेज की मंजूरी। खरगोन, धार, भिंड में खोले जाएंगे मेडिकल कॉलेज। बालाघाट, टीकमगढ़ और सीधी में भी खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। प्रदेश में 33 नवीन सीएम राज स्कूल का होगा निर्माण। नवीन सीएम राज स्कूल के लिए 1335 करोड़ रुपए स्वीकृत। विद्युत सब्सिडी के लिए 24,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। दीनदयाल रसोई योजना में मामा की थाली मिलेगी। आरबीसी 6-4 में संशोधन। केला क्षतिपूर्ति की राशि में वृद्धि। एमएसपी पर ग्रीष्मकालीन मूंग, उड़द के उपार्जन में निराश्रित शुल्क में छूट। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के चतुर्थ चरण में 2 वर्षों के लिए 1700 करोड़ रुपए की स्वीकृति। स्थानांतरण की तारीख 30 जून से बढ़ाकर 7 जुलाई की गई। मेडिकल कॉलेज खोलने का ये 6 स्थानों पर निर्णय किया है। इसमें खरगोन, धार, भिंड, बालाघाट, टीकमगढ़, सीधी जिले, इन सभी जिलों के अंदर नवीन चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय आज कैबिनेट ने किया है। आरबीसी 6-4 के अंदर उसमें अब संशोधन किया गया है। जहां हम पीछे अगर चले जाएंगे तो 50% से अधिक नुकसान होने पर 1,00,000 रुपया जहां मिला करता था उसे बढ़ाकर 2,00,000 रुपया आज कैबिनेट ने किया है। शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक में कई मंत्री मौजूद रहे जहां चर्चा के बाद इन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बिजली सब्सिडी के जरिए जहां आम जनता को राहत देने का प्लान तैयार किया है, वहीं 5 रुपए में मामा की थाली से लोग पेट भर खाना खा सकेंगे। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ 8।